नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा आज शामली जिले से चलकर हरियाणा में प्रवेश करने वाली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी। लल्लू जी, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं, किस मकसद से चल रहे हैं, जनता पे इसका क्या असर पड़ रहा है? आपको ठंड लग रही है जी? लेकिन राहुल जी को ठंड नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जुनून है, जोश है, इस देश को बदलने की एक कवायद है, एक कहानी है। इतिहास याद करेगा उनको जब देश में जुल्मी जुल्म कर रहा था, तानाशाह, अन्याय, अत्याचार पूरी तरह इस पूरे देश में पनपा रहा था, गरीब मजलूम किसानों की आवाज को दबा रहा था। उस समय एक आदमी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर इस देश में एक नई क्रांति को जन्म देने का मन में ठाना था। निश्चित तौर से आज माँ बीमार है, अस्पताल में है, लेकिन वो व्यक्ति देश के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, आदिवासियों के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए आज पैदल चल रहा है। मैं समझता हूँ यह देश सदियों सदियों तक उनको याद करेगा। अच्छा, जयंत चौधरी जी इस यात्रा का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन खुद इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। देखिए, जयंत चौधरी की पूरी टीम है, जयंत चौधरी के लोग हैं, तो जयंत चौधरी है। और मैं समझता हूँ जयंत चौधरी जी कहीं बाहर गए हैं, इस नाते आज नहीं है, लेकिन उनका समर्थन, उनके लोग, उनके विधायक, उनके सांसद सब तो हमारे साथ है। तो क्या एक बड़ा परिवर्तन 2024 में इस यात्रा के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाला है? देखिए, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा ये तो जनतंत्र में जनता को तय करना है, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि परिवर्तन होगा। तो जिस तरीके से यहाँ RLD के विधायकों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने इतनी सुबह आके स्वागत किया इस यात्रा का, उसे दोनों पार्टियों के बीच में एक सामंजस्य जो पहले से ही बनता रहा है, इस बार फिर से बनने वाला है? देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है, लेकिन हम जानते हैं आज हमारे यात्रा में है तो उनका स्वागत है, अभिनंदन है, नमन है, वंदन है।